यो आज हम लोग जो है मुशावा केस में कम्प्लेन देने के लिए आए थे कि यदि यदि नरसिंह आनंद के खिलाफ कम्प्लेन करे हैं कि माहौल को खराब किया जा रहा है, बार बार हिंदुस्तान में इस तरह की बातें हो रही है कि कभी नदी नदी साहब की शान में गुस्साई कर रहे हैं, कभी साहबा की शान में गुस्साई कर रहे हैं, इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो है कम्प्लेन करने के लिए आए हैं
और कंप्लेंट दे चुके हैं, तो हम हुकूमत से भी, तेलंगाना हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं और सेंट्रल हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। सलाम अलैकुम। टीएस में मेमोरेंडम दिया गया है नरसिम्हा आनंद जो है प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में, एल फैल बकरा है वो कुत्ता जलील, और उसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसको बेल नहीं देना उसको। और हम पूरी मुस्लिम कमेटी से के तरफ से ये बोलना चाह रहे हैं कि नरसिम्हानंद स्वामी को अरेस्ट करना, अरेस्ट करके फांसी की सजा देना, और जो भी आ रहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुस्लिम कमेटी को बार बार टारगेट कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी बुरे अल्फाज थे या बुरे उससे और नबी को और सहाबा को जो भी जो है गलत गलत बात करेंगे उसको उम्र कैद की सजा होना चाहिए। जो भी गुस्ताखी कर रहे हैं, देखिए हम एक हिंदुस्तानी शहर है, यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम लोग को एक अमन का पैगाम देना है, सबको मिलके रहना चाहिए। जो तरीके में आप हमारे नबी को गाली देंगे, फिर हमारा कोई आपको आपके भगवान को, हमको ये पसंद नहीं है। आपसी में हम लोग अमन का मामला इख्तियार करेंगे और एकजुट होके रहेंगे। ऐसा जो भी अमन कर रहे हैं हमारे मजहब में भी क्यों ना हो, अगर आपके भगवान के खिलाफ अगर कोई बोल रहे तो हम खुद जो है उनके खिलाफ जाएंगे, और हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहे हैं, अगर कुछ गैर गलत बोल रहे हैं, तो हम बिल्कुल गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि उनके उनके खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई हो, ताकि हिंदुस्तान में ये हिंदू मुसलमान के झगड़े और ये जो है ये दूसरे दूसरे मजहब के जो है झगड़े, इसको खत्म करें और आपस में एक होके जिए, लोगों का जीने दो। काफी सारे मुश्किलात से जो है लोग गुजर रहे हैं, तो बस यही अपील है कि जो उन्हें गुस्ताखी करे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, सख्त से सख्त आज ही क्यों ना उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और हुकूमत जो है उनके ऊपर जो फैसला जो है उनके लिए हक में है वो तो बेहतर करके हम लोग को जो है Thank you.